हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा मैथ एकेडमी। बच्चों आज हम जो अभी लाए हैं ये आपका पार्ट थ्री है। आपका चैप्टर चल रहा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको एपी गिवन होगी, उसके आप एंड टर्म तक का सब निकालोगे। इससे पहले हम लोगों ने एपी जाना, एपी होती क्या है, कैसे चेक करें एपी, कैसे एपी निकालें, तो इस तरह से पढ़ते हुए हमने जाना कि किसी एपी के एंड टर्म का फॉर्मूला निकालो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी एपी के एंड टर्म तक का सम निकालना है। यहाँ पे एंड टर्म नहीं, एंड टर्म तक के दिए गए नंबर्स का सम निकालना है। तो उसके लिए बच्चों आपको फॉर्मूला लगाना होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देना है, ठीक है। तो उस तरह से देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एपी है ये, इसके 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पे पहला टर्म होता है बच्चों ए होता है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, टू है। अगर हम आपसे कहें डी कितना है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, सेवन माइनस टू मतलब फाइव हो गई। और कितने टर्म तक का इसका सम निकालना है, तो एन की वैल्यू हमें 12 दी गई है, तो आप यहां पे एन इक्वल टू 12 कहेंगे। अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है कि एस एन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इसको जितने जल्दी याद कर लें उतने जल्दी आपसे सम के फॉर्मूले को यूज करते हुए सम निकालना सीख लेंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पे हमें बस वैल्यू भी तो रखनी है, एन कितना है 12 है, तो आप लिख दो 12 बाई टू। इसके बाद क्या लिखा है, टू ए कितना है, टू है, तो टू इंटू टू कर देंगे प्लस एन माइनस वन यानी 12 माइनस वन इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी है 5 है। और बस आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर निकालना है। 12 से काट दो, टू से काट दो 12 को, तो 6 आ जाएगा, टू टू जाए 4 हो जाएगा, 12 माइनस वन 11, 11 इंटू 5 55, 55 प्लस 4 हो गया 59 इंटू में कितना 6 है। आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसा आपका निकल आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 9 जा 54 कैरी 5 हो गया, 6 5 जा 30 प्लस 5 35 हो गया, ठीक है। तो ये आपका सम अप टू 12 टर्म्स तक का हमने निकाल लिया है। तो इस तरह से एक बहुत छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में देखते हैं, आपकी बुक का भी ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया है ए इक्वल टू, उसने इस बार ऐसे ना देखकर इस तरह से दिया है, कह रहा ए इक्वल टू है 5, डी इक्वल टू गिवन है 3, उसने कह दिया ए एन है 50, तो फाइंड करना है आपको एन एंड एस एन, आपको ये निकालना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, तो बस हमें यही यूज करना होगा। और इस बार एस एन का मतलब हो गया सम अप टू एन टर्म्स। एन की वैल्यू नहीं बताई कि 12 टर्म्स तक निकालो, 15 टर्म तक निकालो, एन को एन लेकर ही चलना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, यहां पे हमें ए वन ए एन गिवन है, यानी एन का टर्म हमें 50 दिया है, डी दिया है, ये दिया है, तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं कितने हैं सीरीज में, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला यहां पे लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन की जगह हमने क्या रख दिया 50 रख दिया, ए कितना है 5 है, प्लस एन माइनस वन एन तो पता नहीं, तो एन माइनस वन इंटू डी ही लिखे, डी कितना है 3 है, 50 इधर 5 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 45 इक्वल टू 3n माइनस 3, 3 इधर ऐड हो जाएगा तो 48 इक्वल टू में 3n, और 3 से जब कैंसिल करोगे तो 16 आएगा, तो n की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 16, यानी कि सीरीज में टोटल 16 टर्म्स हैं। तो हमसे n जो पूछा गया था फाइंड n, तो वो हमने एक आंसर तो निकाल लिया, 16 टर्म है एपी में वो हमने निकाल लिया। और हमसे कह रहा है कि इसका एस एन निकालो, ठीक है। तो आप एस एन अगर निकालना चाहते हो, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म्स, ठीक है। तो कोई एन है उसके लिए हमें इसका एस एन निकालना है, तो एस एन की आपका फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है, ठीक है। तो अब यहां पे एन बाई टू आप रख लो और टू ए, ए कितना है बेटा, ये हमने अब निकाल लिया था, नहीं गिवन था हमें 5, तो 25 हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, एन बाई टू आ गया, 5 टू जा 10 हो गया प्लस 3 एन माइनस 3,
इसको सॉल्व करोगे तो n बाय टू एक बाहर तो है, अंदर क्या हो गया 10 माइनस थ्री करोगे तो 7 प्लस 3n हो गया। इस तरह से आपका Sn आ गया n बाय टू, आप ऐसे लिख लो 1 बाय टू और n को अंदर चाहो मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं कराना तो ऐसे छोड़ दो, यहां पे क्या लिख लो 3n प्लस 7 लिख लो, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जनरल फॉर्म में आ गया। अब आपको कितने भी टर्म तक का सम निकालना है उतनी एन की वैल्यू यहां रख दोगे। अगर सपोज करो इसी भी कहता कि एन की वैल्यू अगर 16 आई तो 16 टर्म तक का इसका सम निकालो, तो 16 टर्म तक का अगर सम निकालना है तो हम इसमें एन की वैल्यू यहां 16 पुट कर देंगे तो हमें एस 16 पता चल जाएगा। सपोज करो वो कहता कि 16 टर्म तक का सम निकालो तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी रख देंगे 16 रख देंगे। हालांकि यहां भी रख सकते थे एन की वैल्यू 16, तो 16 बाय टू 2a प्लस 16 माइनस 1 इनटू b यहां कर सकते हैं, नहीं तो यहां से भी हम निकाल लो। तो क्या करोगे 16 बाय टू ये 16 और बाय टू 16 इंटू 3 ठीक है प्लस 7, क्योंकि ये एडिशनल पार्ट इसमें कहा नहीं गया तो इसलिए हम नहीं कर रहे, तो 8 हो गया और आपकी कोई कैलकुलेशन अब आ जाएगी आप कर लेंगे ठीक है। तो इसके आगे हम छोड़ देंगे 16 देगा 48 प्लस 7 हो जाएगा 55, अब आप कर लोगे 55 का डबल हो गया 110 इंटू 4 440 हो जाएगा आपका आंसर ठीक है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन आपको पूरी करके दे दी। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आप बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प कर सके हम ठीक है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट जरूर अपना छोड़ दें जब भी वीडियो आप देखें ठीक है। ऑफलाइन मोड में है और हमने जैसा कि आपको बता रखा है कि हम 95% प्लस मैथ्स में टारगेट लेकर चल रहे हैं, इसकी हमने सीरीज शुरू की है और मैथ लिया तो डरना क्या, हमें मैथ्स के पेपर तो देनी है बच्चे, एग्जाम होगा तो देना पड़ेगा, तो हम क्यों फिर इससे डरे, इसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करते हैं ठीक है। तो चलो आप प्रैक्टिस करते रहिए, स्कोर तो अच्छा फिर आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन लिखा है -5 + -8 + -11 + एंड सो ऑन, ऐसे चलता गया है और माइनस के 230 तक गया है। मतलब आपको कह रहा है कि इस सीरीज का सम निकालो है? इसका सम निकालना है, आपके एनसीईआरटी की बुक का ही हमने क्वेश्चन ले लिया। तो बेटा हमें यहां पे पता है क्या ए कितना है, सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, ए गिवन है -5। चलो डी निकालते हैं, डी क्या होता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट टर्म कितना -5 माइनस प्रीवियस टर्म कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5 हो गया। तो आप इसको जरा सॉल्व करिए, -8 + 5 हो जाएगा, सॉल्व करने पर आ गया -3, ये आपकी डी की वैल्यू है कितनी आई -3 आ गई। ए हमें पता है, डी हमें पता है और इस सीरीज को कहां तक ऐड करना है 230 तक ऐड करना, तो ये आपका एंथ टर्म हो गया, मतलब ए एन हमें मिल गया कितना -230। अगर ए एन भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, तो क्या करें हम कितने टर्म्स है सीरीज में वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी, वो किसके इक्वल है -230 के इक्वल है। ए की वैल्यू कितनी है 5 माइनस में, एन पता नहीं है तो एन माइनस वन इंटू बी कितना -3 है, इक्वल -230 ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करें, उससे पहले आप 5 को उधर भेज दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 225 माइनस होने के बाद ठीक है, क्योंकि माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का होगा तो सबट्रैक्ट ही होगा, माइनस का 3 एन प्लस का 3, अब 3 भी उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ठीक है, और फिर ऐड हो जाएगा 5 + 3 ऐड हो गया तो कितना हो गया 8 हो गया, 228 हो गया और यहां कितना आ गया -3 है, उस तरह भी माइनस इस तरह भी माइनस कैंसिल हो गया। अब एन से आप डिवाइड कर दो 228 को, मतलब 3 से डिवाइड कर दो 228 को, तो 37 या 21 और 36 या 18, तो आपका हो गया 76, यानी कि इस सीरीज में टोटल 76 टर्म्स हैं। तो हमें इस सीरीज को 76 टर्म्स तक ऐड करना है ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म पता चल चुके हैं, अब हम Sn इक्वल टू फार्मूला लगा सकते हैं। तो सम Sn इज इक्वल टू हो गया n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें n ही नहीं पता था, तो कितने टर्म्स तक हम रखेंगे कहां तक ऐड करें, तो n अब पता चल चुका है, n कितना है 76/2 और 2a, ये मतलब -5 प्लस
एन माइनस वन 76 माइनस वन 75 इंटू में डी कितना माइनस का 3। अब इसी कैलकुलेशन करना है, 76 2 से डिवाइड करा आपने तो हो गया 38, ठीक है, माइनस का 10 अंदर ब्रैकेट माइनस का 10 आ गया, 75 का आप डबल करोगे 150 और ये 225 माइनस का 3 गुना करना है एक्चुअली कितना हो गया माइनस का 235 हो जाएगा इंटू में 38, 235 है मल्टीप्लाई किससे करना है 38 से करना है, ठीक है। तो अब इसका आप मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, चलो मल्टीप्लाई आई होप कर लेंगे तो हम इसको यहां पे छोड़ देंगे, ठीक है, कोई ना कोई तो आपका नंबर आंसर में आ जाएगा, ठीक है, आई होप आप कर लेंगे, इतनी समझदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक का ही बेटा है, फिर से मैं कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके बार बार उनको लगाइए, देखिए, साथ साथ करते रहिए, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, तभी आपके 95% प्लस जो सीरीज है उसमें आप सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। तो ये आप पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हमारे साथ, अच्छे नंबर लाने के लिए बेटा पढ़ रहे हैं। तो एक मैं इसका ले रहा हूं, तीसरे का नाइन्थ पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है एल इक्वल टू 28, एस इक्वल टू 144 एंड हियर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी एन इक्वल टू 9 हो गया। फिर लास्ट में लिखा है फाइंड ए करना, मतलब फर्स्ट टर्म आपको निकालना है। तो जो एल होता है बेटा वो लास्ट टर्म होता है सीरीज का, सबसे लास्ट में टर्म है कितना 28, और लास्ट के टर्म को ही तो हम लोग एन बोलते हैं, इसका मतलब ये एन हो गया आपका, ठीक है। और आपको एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, ठीक है, एल ये दे रखा है। तो जरा ऐसे देखो, जो आपने पढ़ा था एस एन इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी पढ़ा था एक्चुअली आपने, ये तो फार्मूला पढ़ रखा है आपने। तो मैं टू ए को कर रहा हूं ए प्लस ए, मैंने कहा ए कर दो प्लस ए कर दो, टू ए को दो बार ही लिख दिया प्लस एन माइनस वन इंटू भी लिख दिया। और जब ऐसे लिख दिया तो आप अगर पूछे आपसे कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, nth टर्म होता है यानी an होता है, तो आप इसका दूसरा फॉर्मूला इस तरह से भी तो याद कर सकते हो, n बाय टू ए प्लस ए एन, ये भी तो सम का फॉर्मूला है a प्लस ए एन। अब इस फॉर्मूले में देखो हमें क्या क्या पता होना चाहिए था, हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, ए एन मतलब एंथ टर्म पता होना चाहिए, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे एसन निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एसन है ना सम दिया है ना, तो ये एसन एस मतलब कुछ लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं सम को और कुछ लोग एसन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ पे एसन लिखा है, आप उसको एस ही मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हमें, जो अगर ये दिया तो इनमें से फिर कोई ये पूछेगा, यहाँ पे ए निकालना है, एसन हमें गिवन है। एक चीज ध्यान रखो कि इस फॉर्मूले में डी नहीं दिया है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है, है ना, डी का यूज इस फॉर्मूले में नहीं किया गया है, तो हमें जहां पे d नहीं होगा और सब निकालना पड़ेगा, तो आपको इसी फार्मूले से फिर काम करना पड़ेगा, n by 2 a plus l या a plus an, क्योंकि an equal to ही तो मैंने कहा कि l होता है ना, लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट करो या an से रिप्रेजेंट करो, ये रिप्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, बुक बाय बुक, पर्सन बाय पर्सन डिफर कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग हमें पता होगी तो हम सारा कुछ कर लेंगे। तो चलो बेटा वैल्यू यहां पे रखते हैं, sn की वैल्यू कितनी है, सम दे रखा 144, n by 2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 9, तो 9 बाई 2 हो गया प्लस ए कितना है यहां पे निकालना है, अच्छा ये तो ए की वैल्यू ए प्लस ए एन लास्ट टर्म यानी कि एल 28 है, तो इस तरह से किया। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 288 हो जाएगा इक्वल टू 9, इधर चलो इसको डिवाइड में कर देते, इस तरह से आएगा 144 और 9 बाय 2 इस तरफ आएगा तो 2 बाई 9 हो जाएगा, आप इस बात को तो जानते ही होंगे। और क्या बचा a प्लस 28 बचा, इसको 9 से कैंसिल करोगे तो 9 16 जा, क्योंकि 69 का 144 होता है, टेबल आपको याद होगी, और 62 जा कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला 32 इक्वल टू a प्लस 28 मिल गया, तो a इक्वल टू कितना 32 माइनस का 28 कितना आ गया 4 आ गया, किसकी वैल्यू बेटा ये है
ए की वैल्यू है, ठीक है, तो ए इक्वल टू आपका 4 आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व में आ गया होगा, तो आप अपना कमेंट जरूर छोड़ लें अगर क्वेश्चन सॉल्व में आता। फाइंड द सम ऑफ ऑल, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, उन सारे इंटीजर का सम बताओ, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 to 500, बिटवीन 50 to 500 विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर डिविजिबल बाय 7। मैंने डाइव लिख दिया, डिविजिबल इसको समझ लेंगे, ठीक, मैंने रीड कर दिया, विच आर डिविजिबल बाय 7। तो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो जो नंबर है वो 50 और 500 के बीच में लेनी है, इट मींस हमको 50 से लेकर 500 तक की सारी नंबर के बारे में देखना होगा कि कौन कौन सी नंबर है जो 7 से कट रही है। तो आप ऐसे 50 के आगे 51, 52, 53 इस तरह से लिख रहे होंगे, और लास्ट में 499, फिर आज जाके 500 तक आएगा, तो सब कुछ चेक करना होगा। तो बेटा 50 तो कटेगा नहीं 7 से, तो 50 नहीं, 52, 53, ऐसे 54, 55 तक आप नंबर नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो 7 से नहीं कट रही है। तो पहली नंबर अगर आपको कोई मिलेगी तो वो होगी 56, क्योंकि 7 8 56, ये आपकी 56 नंबर 7 से कट रही है। फिर आगे बढ़ेंगे, 7 8 7 9 63, अगली नंबर ये मिलेगी। इसमें बीच में बहुत सारे नंबर ऐसे आ रही होंगी, यहां भी बहुत सारे नंबर हमने छोड़ दिए, तो हमें वही नंबर उठाना है जो 7 से कट रहे हैं। तो क्या इसको जरा काट के देखते हैं 7 से, क्या ये हमारा 500 से कट गया है? आपने इसको कैंसिल किया, तो 7 7 49, रिमाइंडर 1, कैरी उतारो 0, 7 1 7 आपका कितना आ गया, 3 आ गया, 3 रिमाइंडर बच रहा है इसके साथ में। तो अगली जो नंबर होगी 498 होगी, उसके में कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। फिर अगली नंबर आएगी 499 होगा, उसके साथ रिमाइंडर इतना बचेगा, फिर 498 होगा, उसके साथ रिमाइंडर कितना, 1 बचेगा। फिर अगली नंबर 497 होगा, उसके साथ में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो जिसके साथ रिमाइंडर 0 आएगा वही तो नंबर एक्चुअली 7 से कटेगी, यानी कि 497 जो है नंबर वो किससे कट रही है, 7 से कट रही है। तो मुझे इस तरह से जो सीरीज मिलनी है वो पहली नंबर होगी 56, दूसरी नंबर आएगी 63, अगली ऐसी नंबर आती रहेंगी, लास्ट में जो हमारी नंबर आएगी वो आएगी 497 आएगी। ठीक है, तो ये सारी नंबर आपकी हो गई। इस तरह से हमने एक सीक्वेंस तो बना ली, अब हमें इसी सीक्वेंस का सम निकालना है। तो हमारा पहला टर्म हो गया 56, डी क्या होता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे ना 7 से, मैंने बताया था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो बेटा। और अगर यहां से चाहो तो 63 माइनस 56 करोगे तब भी 7 ही आएगा। और ये क्या है, इस सीरीज का लास्ट टर्म है, तो an इक्वल टू हमें पता है कितना है, 497 है, लेकिन हमें n तो पता नहीं, तो पहले n निकालने का काम किया जाए। तो क्यों ना फिर n निकालते हैं, तो हम an इक्वल टू ही लगा देते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d कर लेते हैं। an कितना है, 497 है, a कितना है, 56 है, प्लस एन माइनस 1, एन तो पता नहीं तो एन माइनस 1 ही रखते हैं, और डी कितना, 7। तो आप 7 से सबको डिवाइड कर सकते हो, ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो 7 1 7, यानी 7 कॉमन इधर ले लेंगे, फिर इसको 7 से डिवाइड, ये देखो कैलकुलेशन आप कर लोगे, 7 8 जा, और इसको जब कैंसिल करोगे 7 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो आपका फाइनली कितना बना, 71 इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1, 8 इधर आकर के सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ गया 63 इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू आ गया 64, 1 इस तरह बाकी ऐड हो जाएगा। तो एनी हाउ आपने एन इक्वल टू किसी तरह से निकाल लिया, 64 टोटल टर्म्स आपके हैं, ये जो आपने नंबर टोटल लिखी 64 नंबर्स हैं, और हमें इन्हीं सारी नंबर्स का सम निकालना है। तो अब आपको सम एक्चुअली निकालना है, तो सम निकालना, तो फिर इनको हमें बताना होगा कैसे करेंगे, 56 प्लस 63 एंड ऐसे ऐड करते हुए लास्ट में कहां तक, 497 तक को ऐड कर देना है। तो ये हमारा आंसर होगा जितना आएगा।
तो फिर सम के लिए सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। सम के दो फार्मूले हैं, अब आप जो भी लगाना चाहो, यहाँ पे आपको डी भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो हम छोटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं एस एन इक्वल टू, हम लगाएंगे एन बाई टू ए प्लस ए एन, तो एन कितना 64 बाई टू, ए कितना 56 था हमारा ये लिखा हुआ है, प्लस ए एन लास्ट टर्म कितना 497। आपको ये कैलकुलेशन ही तो करनी बेटा, आप इसको कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे, ये आ गया 32। ठीक है, 32 और अंदर कितना है उसको भी आप ऐड कर लो, 7 प्लस 6 3 13 हो गया ना, कैरी जाएगा तो 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15 और 4 प्लस 1 5, इस तरह से 553 में आप 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी आप कैलकुलेशन बेटा कर लेंगे, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा यहां पे 17696, आपकी बुक का हमने एग्जांपल ही लिया है। ठीक है, इसलिए मैंने उससे देख करके लिख लिया, मल्टीप्लाई करने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना था मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेते बेटा कोई, चलो उसको मिटा के अगला क्वेश्चन उठा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सम निकालना सीखा इसी तरह से जो सीरीज हमें दी जा रही है, अब हम क्या करते हैं, आपकी बुक का ही कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ एन द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, हमने एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन लिया बेटा, लास्ट है या नहीं, लास्ट नहीं, 11th नंबर हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। लिखा है सम जो दिया है एस एन, मतलब कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर गिवेन, ये आपको एस एन दिया है सम, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो ये आपका क्वेश्चन बेटा मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में कि एस एन किसी सीरीज का इतना दे रखा है, आपसे पूछा है फर्स्ट टर्म कितना होगा। ठीक है, एंड इस तरह से सेकेंड टर्म भी पूछा है, थर्ड टर्म और टेंथ टर्म आपसे पूछे गए, तो मेन आपका बस यही काम था कि ऐसा निकल टू दिया तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, जब फर्स्ट टर्म निकल आएगा तो हम सेकेंड थर्ड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो एक चीज जरा समझो, अगर आपको एसएन पता है किसी सीरीज का और आप ए वन निकालना चाहते हो तो पहले एस वन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एस वन के लिए एन इक्वल टू आप वन रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एस एन का मतलब होता है एन तक का सम, एस वन का मतलब होता है एक टर्म तक का सम, तो आप एन की वैल्यू क्या रख देना उसमें, वन रख देना, तो आपका एस वन निकल के आ जाएगा। एन इक्वल टू टू रखोगे तो आपका सीरीज का दो टर्म तक का सम यानी एस टू निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप एन इक्वल टू थ्री रखोगे तो सीरीज का सम निकल आएगा अप टू थ्री टर्म्स तक का। तो वही काम हम यहां करने जा रहे हैं, सोल्यूशन लिखें, हमने कहा पुट एन इक्वल टू वन, तो हमें एस वन मिला, यहां पे रखोगे 4 इंटू वन 4 माइनस वन का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस वन दैट इज 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमने n इक्वल टू 2 रखा तो एस टू मिलेगा हमें, और आगे आपका n इक्वल टू 2 यहां रखो, 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4 आ गया। जरा समझना, ये एस टू है बेटा, ए वन ए टू नहीं है। ठीक है, अब इनमें से कौन ए वन कौन ए टू कैसे निकलेगा वो देखेंगे, पुट एन इक्वल टू 3 तो आपका एच 3 निकल के आ जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 12 माइनस का 9 3 आ चुका है। अब मेरी बात समझो बेटा, एक पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, इस तरह से सीरीज के टर्म्स उनको सबको ऐड कर लिया आपने, तो ये मैंने बॉक्स के थोड़ा ऐसे बना के दिखा लिया, आपको समझना है किसी सीरीज के पहले टर्म तक का सम निकालना, मतलब एक टर्म का सम, मतलब एक ही टर्म को ऐड करना है, किसके साथ, किसी के साथ नहीं, तो एक्चुअली पहला टर्म ही क्या हो गया, पहले सीरीज का फर्स्ट टर्म तक का सम हो गया, तो जो एस वन है पहले टर्म तक का सम है वही आपका क्या हो गया, ए वन हो गया। मेरी बात समझ गए क्या, सीरीज के पहले टर्म तक का सम आपका ए वन हो गया, तो एक्चुअली ए वन की वैल्यू हमें पता चल चुकी कितनी है 3, यानी कि सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है 3 है। तो जो आपको क्वेश्चन यहां पूछा गया था कि A1 निकालो, तो हमने निकाल दिया, आंसर आ गया हमारा A इक्वल टू 3, पहला आंसर तो हो गया। अब आपसे आगे जो कुछ कहे वो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ऐसा पता है,
अगर मैं कहूं सीरीज को दो टर्म तक का सम निकालो, तो आपने पहला और दूसरा ये टर्म ऐड कर लिया। मेरी बात बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपने दो टर्म तक का सम निकाल लिया। आप मैं कहूं दूसरा टर्म निकालो, दूसरा टर्म कैसे आएगा, ये है दूसरा टर्म, हमें ये निकालना है। तो दो टर्म तक के सम में से आप ये वाला टर्म हटा दो, यानी पहले टर्म तक का सम हटा दो, तो दूसरा टर्म बच जाएगा। ध्यान रखना मैं सम से सम माइनस कर रहा हूं, यानी कि आपको अगर A2 चाहिए तो याद कर लो बेटा, A2 के लिए H2 माइनस S1 कर लो। दो टर्म तक के सम से एक टर्म तक का सम आप सबट्रैक्ट कर दो, तो A2 दूसरा टर्म आ जाएगा। तो आपको H2 तो पता चल चुका है, H2 कितना है 4, माइनस S1 कितना है 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, यानी आपका A2 आ गया 1। अब आपको दो टर्म पता चल चुके, आप चाहो तो सीरीज इतने से बना सकते हो, ठीक है। आपका A1 हो गया था 3 और A2 कितना आ गया था 1 आ गया था, तो चाहो तो सीरीज आप लिख सकते हैं। एक बार और कोशिश कर लेते हैं, हम A3 भी निकालते हैं। अगर A3 निकालना है तो H3 माइनस H2 करना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं A5 आपको निकालना, A5 तो आप क्या कहोगे, S5 से सब्ट्रैक्ट कर लेना S4 को। अगर 5 निकालना तो 5 माइनस 4, अगर A7 निकालना है तो 7 माइनस 6 कर देना, क्या कर देना 7 माइनस 6 कर देना। A7 निकालना है तो आप S7 से S6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई थिंक अब आपको बात सॉल्व में आनी शुरू हो चुकी है। तो S3 कितना है 3 है, H2 कितना है 4 है, 3 से 4 गया तो माइनस 1 आ गया। आपकी सीरीज अब इस तरह से बन चुकी है, A3 कितना आ गया है माइनस 1 आ चुका है। तो आपकी जो AP है वो इस तरह से बेटा आ चुकी है, फर्स्ट टर्म 3, दूसरा टर्म आपका 1, तीसरा टर्म माइनस 1। आप देख रहे हैं ना, दो सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3। इस तरह से आपकी सीरीज आगे प्रोग्रेस होती हुई चली जाएगी। आपको जितने टर्म तक लिखना है लिख लो। अगर आपसे यही सीरीज में कोई कह दे, ठीक है, कि आप यहां से देख सकते हो तो डी कितना है, आप चाहो तो डी इक्वल टू लिखना चाहो लिख लो, 1 माइनस का 3, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा। आपका डी इक्वल टू आ गया माइनस का 2, आपने डी भी निकाल दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका 10th टर्म निकालो, है ना, या 15th टर्म निकालो, 25th टर्म निकालो, चलो 25th टर्म इसका निकालते हैं, तो आप इसका निकाल सकते हो 25th टर्म, 25th टर्म a प्लस 24d होगा ना, a प्लस 24d होगा। तो a की वैल्यू कितनी है वो हम पहले बता चुके थे, a की वैल्यू है यानी कि फर्स्ट टर्म आपका कौन सा a1 जो कि 3 है, ठीक है। तो यहां पे 3 लिख लीजिए प्लस 24 लिखो इनटू में d, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा था, कॉमन डिफरेंस हमारा चल रहा था माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस माइनस 2 चल रहा था, आप यहां पे माइनस 2 लिखोगे, 24 इनटू 2 करोगे तो माइनस का, ये थोड़ा सा देखना इंक थोड़ा सा ज्यादा है यहां पे गिर गई, चलो अब देखिए यहां पे लिखा था 3 प्लस 24 टू जा कितना माइनस का 48 और प्लस का 3, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 45 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, कौन सा टर्म था ये, 25th टर्म आपका आ गया, 25th टर्म आपका हो गया कितना बेटा माइनस का 45, ठीक है। आप देख लेंगे, इस तरह से आप कैलकुलेशन बड़े आराम से करिए, ठीक है, सारी चीजें आपको सॉल्व में आएंगी, ऐसा नहीं बहुत टफ है मैथ, बिल्कुल बेटा टफ नहीं होती, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार थोड़े पेज भरने होते हैं, इसीलिए मैथ में रब चलता है, ठीक है। तो आप रब रजिस्टर खरीद के बार बार लगाइए, और प्रैक्टिस ही तो सबको परफेक्ट बनाती है, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैन नहीं वुमैन, गर्ल्स भी आप देखें सब लोगों परफेक्ट बनाएगी, बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैंने ये लिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से है, इफ एस वन एस टू एस थ्री आर सम्स ऑफ एन टू एन थ्री एन टर्म्स ऑफ एन एपी then so that S3 equal to 3 times of S2 minus S1, मतलब अगर कोई AP हमें given है उसके आप n term तक का sum अगर है तो उसका n term तक का sum है S1, 2n terms तक का sum निकालते तो वो S2 है, ऐसे 3n terms तक का sum निकालो तो वो S3 है। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी information को अगर मैं लिखना चाहूं, इसका मतलब S1 जो हो n term तक का sum, इसका मतलब वो हो गया n by 2, और मैं एपी ऐसी मान लो जिसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है स्मॉल डी है, तो हमारा एस वन कितना आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अब अगर मैं कहूं एस टू बताओ, एस टू 2n टर्म तक का सम है तो हो जाएगा 2n बाई 2
टू ए प्लस एन की जगह उस बार एन रखा था, एन ही था, अब की बार एन नहीं है, टू एन टर्म्स है तो टू एन माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू इस बार एन ना होके टू एन है, ठीक है, जितनी एन की वैल्यू उतनी माइनस वन करना, तो एन नहीं टू एन है तो टू एन माइनस वन करेंगे। एच थ्री कितना, थ्री एन बाय टू, टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इन टू में डी, ये हमें गिवन था किस तरह से है, तो हमने उसके बेसिस पर अपने कुछ रिजल्ट्स निकाल लिए। अब हम चलते हैं जो हमें प्रूव करना है, तो हम आरएचएस लेकर चलते हैं और एलएचएस निकाल लेंगे। तो हमने कहा आरएचएस ले लेते हैं भाई, आरएचएस में कितना लिखा है, थ्री एच टू माइनस एस वन, तो चलो एच टू माइनस एस वन करके देखते हैं। एच टू कितना है, ये है, तो एच टू की वैल्यू रख दो टू एन बाई टू, और ब्रैकेट इधर से बदल लेते हैं थोड़ा, फिर लिखा है टू ए प्लस टू एन माइनस वन इन टू डी, इसके लिए फिर ये ब्रैकेट लगाओ, टू ए प्लस टू एन माइनस वन इन टू में डी। अब क्या रखना है, S1 रखना, तो S1 की वैल्यू क्या है, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसकी वैल्यू है n बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी और ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करना है, अगर मैं कहूं n बाई टू यहां पर भी है और n बाई टू यहां पर भी है, तो n बाई टू आप पहले तो कॉमन ले लो, सबसे बाहर तो लिखा हुआ है थ्री, आपने n बाय टू बाहर निकाल दिया, यहां अभी टू रह गया है, ध्यान रखना टू रह गया है, और ब्रैकेट में ये सारा रह गया, तो सबका टू में मल्टीप्लाई अंदर करके देखो क्या आता है, तो टू का मल्टीप्लाई इधर टू ए में हो गया तो फोर ए हो गया, प्लस टू और बाहर बना रहे लो टू एन माइनस वन इन टू डी, तो जरा मल्टीप्लाई एक बार कर ही लो, टू का इधर हो गया टू एन में तो हो गया फोर एन, टू का वन में हो गया तो टू बट माइनस का, और बाहर क्या लिखा था, डी लिखा था, तो अब डी ऐसा लिखा रहने दो माइनस ये वाला, ठीक है, इस ब्रैकेट को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसा कर दिया। अब जरा इसके बारे में सोचो, ब्रैकेट लगा ही देते हैं अभी, ठीक है, अब मैं इस एन बाय टू को तो कॉमन ले चुका हूं एक्चुअली, वो तो इधर आ चुका है, तो यहां पर कुछ नहीं बचा, केवल ये पूरा पार्ट बचा, इसको आप ऐसे उतार लो जैसे लिखा था, क्या लिखा है, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको बस सॉल्व करते रहिए अच्छे से, ये हो गया थ्री एन बाई टू, अब ब्रैकेट ओपन करने का टाइम आ गया, तो हो गया फोर ए प्लस, अंदर देखो फोर एन का मल्टीप्लाई डी में कर दिया, हो गया फोर एन डी माइनस टू डी, यहां पे भी आप टू ए है, ब्रैकेट ओपन हो गया तो माइनस का टू ए हो जाएगा, ध्यान रखना थोड़ा सही से कैलकुलेशन करें बेटा, यहां पर एन मल्टीप्लाई डी में करो तो एन डी हो गया, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का एन डी हो जाएगा, वन का मल्टीप्लाई डी में करोगे तो डी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस इधर भी है, तो माइनस का डी और माइनस ये तो प्लस का डी हो जाएगा। अब आप जो भी लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लीजिए, एक जैसे टर्म्स है उनको सॉल्व करिए, ठीक है, ये फोर ए है, ये माइनस का टू ए है, कितना बचा, ओनली टू ए बचा, ठीक है, लिख लिया, फोर एनडी है, ये एक एनडी है लेकिन माइनस का है, तो कितने एनडी बचे, थ्री एनडी बचे, यहां पे माइनस का टू डी है, एक डी प्लस का है, तो माइनस का एक डी बच गया यहां, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे फिर से उतार लेते, कॉपी कर लीजिए, टू थ्री एन बाय टू टू ए प्लस, यहां पे हम d केवल कॉमन ले रहे हैं, तो देखो क्या बचा अंदर, यहां से d चला गया तो 3n बचा, और d अकेले ही था तो क्या बचा, ओनली माइनस छोड़ गया तो माइनस वन एक्चुअली बचेगा, ठीक है, तो इस तरह से कुछ बचा हमारे पास, उसको अगर सही से देखें तो क्या मिला हमें, 3n बाय टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इन टू डी, अगर मैं 3n को बोलूं कैपिटल n, तो ये हो गया कैपिटल n बाय टू टू ए प्लस कैपिटल एन माइनस वन इंटू डी, तो आपका ये एक्चुअली एस एन का फार्मूला बन गया, यानी कि थ्री एन टर्म तक का सम यही तो है, और अगर देखो इसको मैच कराओ इससे एस थ्री से, तो वही लिखा है थ्री एन टर्म तक का सम यही था ना,
थ्री एन बाई टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू टू, तो जो ये रिजल्ट आया वो आपका H3 हो गया। तो मैं इसकी वैल्यू यहां पे रख दे रहा हूं, तो हमें क्या मिल गया H3 का इक्वल मिल गया, किसको लेकर के चले थे, थ्री टाइम्स ऑफ H2 माइनस H1 को हम लेकर चले थे और ये रिजल्ट हमारा आ गया। तो बस हो गया ना हमारा काम, यही हमें प्रूव करना था, फाइनली हमारा प्रूव हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, और यहां तक हमने आपके तीन पार्ट बच्चे डाल दिए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। सारे पार्ट में जो हमें चीजें अच्छी लगी हमने सारी खत्म कर दी, कॉन्सेप्ट का पार्ट हमने लगभग खत्म कर दिया जो इस साल आने वाला है। और रही बात अभी प्रीवियस क्वेश्चन करने की, तो उनके हम अलग अलग सेशन फिर से लाएंगे, वो अलग सेशन लाएंगे 15 जैन के बाद लाएंगे, ठीक है। अभी 15 जैन तक हम चाहते हैं कि आपका पूरा सिलेबस खत्म किया जाए, तो ठीक है मिलेंगे हम लोग 15 जैन के बाद, जो इसमें बाकी चीजें या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उनको वहां पे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट पार्ट कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट जल्दी से खत्म कर लीजिए, आप दिन रात मेहनत करिए, हम भी आपके डे नाइट जैसे टाइम मिलता है आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज पूरे दिन में हमने तो पूरा टॉपिक रिकॉर्ड किया, आप देख भी सकते हो सेम ड्रेस में हम खड़े मिलेंगे आपको ऐसे बिल्कुल, तो वही हम कर रहे हैं। आप भी उनको दिन रात पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।